डॉक्टर सबा काविश। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में, आपके स्किन केयर के बारे में, आपके हेयर केयर के बारे में, आपके ऑर्गन्स के बारे में कि आप किस तरीके से अपने आप को नेचुरली तरीके से सही रख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर। कि चीनी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम अपने मोटापा कम कर रहे हैं तो हम डाइट कर रहे हैं, तो हमने चीनी कम कर ख़त्म करी हुई अपनी ज़िंदगी से, चीनी निकाली हुई है। जो मोटापा ही एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है चीनी का, इस छोटे से साइड इफ़ेक्ट के लिए आप चीनी बंद कर सकते हैं, तो इसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले मिल सके। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजम देखें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चीनी के बड़े बड़े जो नुकसान हैं वो क्या हैं। पहले नंबर पर तो ये आपको बूढ़ा कर देती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है कोलेजन, जिससे हमारी स्किन जो है वो आपको शाइनी नज़र आती है। तो ये क्या करती है, जब हम चीनी खाते हैं, वाइट शुगर जब हम खाते हैं, तो वो हमारे कोलेजन बनाना ख़त्म कर देती है, उसको बंद कर देती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं और वक्त से पहले वो बूढ़े हो रहे होते हैं, उनके चेहरे पर शाइन नहीं होती, तो वो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं या वो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो नंबर दो पे क्या होता है, नंबर दो पे एक मिसाल के बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा ये गिरा देती है चीनी। एक मिसाल ये है कि अमेरिका के एक स्कूल के अंदर एक रिसर्च की गई, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पेरेंट्स को कहा कि आप अपने बच्चों को घर से लंच नहीं देंगे पाँच दिन तक। उन्होंने बच्चों को लो कार्बोहाइड्रेट वाला लंच दिया, फिर उन्होंने ये चेक किया कि उनके जो लो बच्चे थे जिनका आईक्यू लेवल कम हुआ हुआ था वो 15.7% बढ़ गया, बच्चों के मार्क्स अच्छे आने शुरू हो गए। तो आईक्यू लेवल भी ये हमारे बच्चों का और हमारा ख़त्म कर देती है। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कैंसर के सेल और ट्यूमर के सेल। तो कैंसर और ट्यूमर के जो सेल हैं वो हर किसी की बॉडी के अंदर होते हैं। जब क्या होता है, जब हम चीनी खाते हैं तो ये जो चीनी होती है ये इन सेल्स की ग़िज़ा होती है। क्या करते हैं ये सेल, जल्दी जल्दी चीनी खाना शुरू कर देते हैं और एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप चीनी खाएंगे आपके कैंसर के और ट्यूमर के सेल्स एक्टिव होंगे। कि चीनी खाना छोड़ देंगे तो आपको इन बीमारियों ये बीमारियां नहीं लगेंगी। चौथे नंबर पे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, गुड बैक्टीरियाज पे चल रहा है और बैड बैक्टीरियाज के ऊपर चल रहा है। तो जब हम चीनी खाते हैं तो बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो कैसे जी रहे हैं, चीनी से जी रहे हैं, उनकी भी ग़िज़ा चीनी है। तो चीनी खाना हम बंद कर देंगे तो हम बीमार होना भी बंद हो जाएंगे, हमें बीमारी नहीं लगेगी। तो एक बड़ी अच्छी सी मिसाल के साथ मैं आपको ये बात बताती हूँ कि साइंसदानों ने एक रिसर्च की, 10 लोग लिए जो हेल्दी लोग थे, उनके अंदर उन्होंने क्या करा, कैंसर के सेल जो हैं वो इंजेक्ट किए। ठीक है, वैसे तो हम लोगों की बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन्होंने जब इंजेक्ट किए तो क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी से एक्टिव हो गया और उसने वो सेल ख़त्म करना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए, उन सेल्स को, कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था इसीलिए उन्होंने कैंसर के सेल्स को क्या करा, मारना शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्हीं के ऊपर, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कैंसर के सेल उनके अंदर इंजेक्ट नहीं किए, उन्होंने को चीनी की शक्ल में, चीनी के बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनकी शक्ल में इंजेक्ट किए। कैसे इंजेक्ट किया करें, उनको पिलाए, जैसे कुछ लोगों को उन्होंने ऑरेंज जूस पिलाया, कुछ को शहद दे दिया, कुछ को डायरेक्ट ग्लूकोज पिला दिया। उसके बाद उन्होंने रिसर्च की कि उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम था वो तेज़ नहीं हुआ, वो एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि वो लो हो गया। जब वो लो हो गया तो कैंसर के सेल क्या हुआ, कैंसर के सेल अपने आप जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। तो ये एक मिसाल देने का मकसद ये है कि चीनी खाने से हमें बड़ी बीमारियां होती हैं। ये सारी पहले छोटी बीमारी होगी फिर बड़ी बीमारी हो जाएगी।
तो ये शुगर बंद करनी है, लेकिन शुगर ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें। शुगर को बंद करने का तरीका होता है, शुगर जहाँ जहाँ आप ज़्यादा शुगर ले रहे हैं वहाँ वहाँ आप उस शुगर को कम करते चले जाएँ। अगर फ़र्ज़ करें आम का मौसम है और आपको स्नैक खाने, तो आप डायरेक्ट स्नैक्स में फ्रूट्स नहीं खाएंगे, फ्रूट्स की जगह आप नट्स खा लें। नट्स नहीं है तो फिर आप कोकोनट होता है, कच्चा कोकोनट मिलता है वो अपने घर में रखें, वो खाएं, ठीक है। डायरेक्ट फ्रूट ना खाएं। अगर आम खाने का दिल है तो आम को दही के अंदर मिला के खा लें। तो अगर आप लोगों को चॉकलेट खाने का मन है तो आप डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर शुगर कम होती है। तो इस तरीके से आप अपनी चीनी को कम करेंगे। आप चाय में एक चम्मच चीनी ले रहे हैं तो उसको तो आप आधा चम्मच कर दें। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी से शुगर ख़त्म होगी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।